तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर दोबारा एक मस्त वीडियो लेकर आया हूँ, तो जिसमें आपको बताऊँगा कि जो WWE अनडिफीटेड WWE अनडिफीटेड गेम है ना, जो रेसलिंग वाली, जस्ट अभी लॉन्च हुई है प्ले स्टोर पर, तो आपको पता ही है ना, तो वो आप कैसे खेल सकते हैं फ़ोन में। ठीक है, तो A to Z बताऊंगा सब कुछ इसके बारे में, क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या ऐसे में मूव्स हैं। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, आप कैसे प्लेयर चूज़ कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, शुरू में ही, और वीडियो को लाइक कर दो। आपको पता ही है वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जिन्होंने इस गेम को डाउनलोड नहीं किया ना, WWE अनडिफीटेड गेम को, तो वो तो सिंपली प्ले स्टोर में जाओ, जैसे मैं दिखाता हूँ डाउनलोड करने के लिए। प्ले स्टोर में जाओ और वहाँ पर आपको टाइप करना है WWE अनडिफीटेड गेम। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर भी आ जाएगी अपनी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है, तो इसमें डाउनलोड नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैं जस्ट इसे ओपन करूँगा यहीं से। ठीक है, तो शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगाता है ये। ठीक है, और लॉगिन करने के लिए बोलता है, तो लॉगिन कर लेना। मैंने लॉगिन किया हुआ, इसमें कुछ नहीं है लॉगिन, मैं आपको बताइए, लॉगिन हर कोई कर लेता है। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर नहीं बता रहा इसमें। गेम बहुत ही मस्त है। मुझे इसमें सबसे बढ़िया जो गेम पार्ट लगा है ना इस गेम का, वो लगा मुझे मूव्स का, जो हर कैरेक्टर का वो लगा है ना, मूव्स होते हैं, वो बहुत बढ़िया लगा इसमें मुझे। देखिए गेम मेरी शुरू हो गई है। तो पहले तो जैसे ही आप गेम शुरू हो गई है, जिन्होंने मतलब नई 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 गेम डाउनलोड की हुई है, तो उनके लिए ना ट्रेनिंग मोड होगा। एक तरह से पहले दो मैच होते हैं ट्रेनिंग मोड के, उसमें करीब दो या तीन, तो वो खेलने होते हैं आपको जरूरी। ठीक है, तो वो सिंपली या कुछ नहीं करना, बस आपको बताएगा कि कौन सा मूव है, कौन सी सेटिंग है, उसमें क्या क्या करना है, कुछ सब कुछ बता, वैसे नॉलेज के लिए बताता है। तो ठीक है, जैसे ही आप ट्रेनिंग मोड खत्म करोगे, तो आपका ऐसे ही ये वाला होम पेज आएगा। ठीक है, ये लॉबी की तरह ऐसे ही आएगा, जैसे मेरे में आया। ठीक है, तो लेफ्ट में आपको सबसे ऊपर वीडियो शुरू करते हैं। देखिए लेफ्ट लेफ्ट में है ना, आपको सबसे ऊपर वो मिल जाएगा, आपका प्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने नाम रखा हुआ है सुपरस्टार। ठीक है, ये वैसे ही रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये होगी आपकी प्रोफाइल हो गई, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं नाम, कोई बात दिक्कत नहीं है। जैसे मैं देखते हैं सुपरस्टार है, तो यहाँ से मैं कुछ चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपके लिए, पर चेंज करने के लिए कौन होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये मेरा आ गया चेंज करने के लिए, तो मैं अभी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा नीचे, इसी पर सबसे नीचे, मतलब जहाँ पर प्रोफाइल है ना आपकी, उससे नीचे मिल जाएगा डैक, मिल जाएगा यहाँ डैक में आपको ना सारे वो मिल जाएंगे मूव, जितने भी आपके वहाँ पर है ना गेम में शो होंगे ना मूव खेलने के लिए, ये तीन मूव मिलते हैं आपको गेम में, हमेशा ध्यान रखिए तीन मूव मिलते हैं। ठीक है, तीन, जैसे तीन आप खत्म होंगे आपके ना, नए से नए उसमें तीन फिर और जुड़ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने एक मूव यूज़ कर लिया, तो दूसरे मूव अपने आप यूज़ हो जाएगा, मतलब आ जाएगा उसमें। ठीक है, वो आपको गेम में बताऊंगा। ठीक है, जब मैं गेम शुरू करूंगा वैसे ही, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर आपके सारे मूव शो होंगे, ये आपका मतलब कि ये तीन ना इसमें वो होती हैं, इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि आप तीन पार्ट होते हैं इसमें। देखिए पहले पार्ट में आप कुछ भी रख सकते हैं, कौन सा मूव रख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के अनुसार। दूसरे में कुछ रख सकते हैं, आपकी आपकी मर्जी है कौन सी भी खुली है, बस आपको जस्ट गेम शुरू करने से पहले ना यहाँ पर पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से पार्ट वाले मूव को आप गेम में शुरू कर मतलब लेना चाहते हैं। तो मैं पहले पार्ट वाले शुरू करना चाहता हूँ। जैसे देखिए ये मैंने सारे मूव सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको सेलेक्ट करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे ये पहले पर क्लिक किया मैंने, किक कॉम्बो नाम है इसका। ठीक है, जस्ट मैं करूँगा इसे सेलेक्ट, चेंज करने के लिए स्वैप पर क्लिक करूँगा, स्वैप, और यहाँ से देखिए ऑन पर लिखा है ना, ये देखिए ये राइट साइड में आपके, तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं ये ब्लू वाला करता हूँ। ठीक है, ये देखिए वहाँ पर आ चला गया। ठीक है, ऐसा ही है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे ही एक बार और कर दिखाता हूँ, देखिए फिर इसी को चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पर स्वैप, ये थर्ड वाला, लास्ट वाला, सॉरी। ठीक है, ये देखिए चला गया वहीं पर।
तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे सारे को मूव सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 मिलेंगे पहले इसमें, ठीक है। तो बैक आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर मिल जाता है आपको, रोस्टर मिल जाते हैं। रोस्टर में आपको कैरेक्टर मिल जाता है, एक तरह से रोस्टर कैरेक्टर ही हो गया सेम, ठीक है। कैरेक्टर में आपको जैसे जैसे गेम खेलोगे ना, वैसे वैसे आपके ये वाले ये मतलब कि ना और मतलब अनलॉक होते जाएंगे ये वाले कैरेक्टर, ठीक है। ये सेकंड वाले वाले में ना ये वाले अनलॉक होते जाएंगे। तो मेरे ये 5 है ना अनलॉक हैं, ये ऊपर वाले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो अनलॉक होते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए बैग आ जाता हूँ, और देखिए शॉप शॉप मिल जाएगा यहाँ पर। शॉप में आपको आपको पता ही है, शॉप में कुछ बताने वाली चीज़ नहीं होती। यहाँ से आप कुछ भी क्रिएट वगैरह और ये कॉइन वगैरह शॉप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बाय कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह से। नीचे मिल जाएगा आपको फिक्शन मिल जाएगा। फिक्शन मान लीजिए कि तरह से क्लैन होता है, क्लैन की तरह क्लैन सेम टू सेम क्लैन ही है एक तरह से, ठीक है। यहाँ के आप किसी के क्लैन में ज्वाइन भी हो सकते हैं और यहाँ पर अपना मतलब बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी उसकी क्रिएट की क्लैन की बात। अब आपको यहाँ पर मिलेगी, देखिए मिशन मिलेगा राइट साइड में, देखिए ये मिशन मिल जाते हैं। मिशन में आपको देखिए ये थोड़े लोडिंग लेता है शुरू शुरू में, ये आपके जितने भी है ना कलेक्ट करने के लिए होते हैं, यहाँ पर कलेक्ट कर लीजिएगा, करिए, ठीक है। मिशन क्लियर करने के लिए आपको मैच खेलने पड़ेंगे। मैच खेलते खेलते जितने भी आप जितने पॉइंट होंगे ना वो इसमें जुड़ते जाते हैं, और आपके आपको पता ही है कि मिशन का को कोई दिक्कत वैसी नहीं बात है ना कि बताने वाली, ये अपने आप ही खुलते जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें बताने वाली मिशन में, तो ठीक है। ये आपको बैटल बॉक्स मिल जाता है। बैटल बॉक्स है ये वो है एक तरह से कहते हैं कि गेम मतलब कि ना वो एक तरह से टूर्नामेंट कह सकते हैं, टूर्नामेंट खेलने के लिए मिल जाता है ये वाला, ठीक है। और नीचे ये आपको क्रेड मिलती हैं, दो 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 नहीं 4 मिलती हैं, जैसे मैंने 2 खोली हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं वो मैच खेलूंगा तो यहाँ पर एक और क्रेड मेरी जुड़ जाएगी वहीं पर, ठीक है, ये थर्ड वॉर पर। और चौथे एक और खेलूंगा मैच तो यहाँ पर 4 जुड़ जाएंगी। तो उस क्रेड को खोलने के लिए बस आपको क्यू उसको ना लाइन में लगाना होगा। जैसे देखिए ये वाली मैं फर्स्ट वाली मेरी लगी हुई लाइन में खोलने के लिए 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे में ये वाली है ना क्रेड खुल जाएगी, ठीक है। अब इसको खोलने के लिए सेकंड वाली खोलने के लिए ना 20 कॉइन में तुझे देने होंगे, तो ये क्रेड खुल जाएगी। ये तो जस्ट आपको पता ही जनरल नॉलेज है, ठीक है। अब नीचे आते हैं कि कैरेक्टर को कैसे खोलना है, ठीक है, खोल कैसे कैरेक्टर को अपने कैसे सकते हैं, ठीक है। तो उस पर ये लीक पर लिखा ना, लीक टू पर, मैं अभी लीक टू पर हूँ। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जस्ट मतलब कि मेरा लेवल हाई है, 2 लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे लीक पर। अब देखिए ये लीग 2 पर हूँ मैं अभी, है ना। ये आपको देखिए ट्रेनिंग मोड है, पहले सबसे पहले तो ट्रेनिंग मोड मिलता है, ठीक है। और ट्रेनिंग मोड में आपको तो पहले पहले तो सबसे पहले तो वही मिलता है, ये क्या नाम उसका, रॉक द रॉक मिलेगा, है ना, वो कैरेक्टर में, ठीक है। वो तो जस्ट पहले होता ही होता है, ठीक है। और उसके सारे मूव मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका मतलब मैच खेलते जाएंगे आपका लेवल हाई होता जाएगा ना, तो ये लेवल 1 खुल जाएगा, लेवल 2 खुल जाएगा, ऐसे ना। ये मेरे देखिए लेवल 1 मेरा क्लियर है, तो यहाँ पर मेरे 2 कैरेक्टर भी मिले हुए हैं, है ना। और ये फिन बैलर मिला हुआ है, और ये दूसरा मिला हुआ है, ठीक है, ओटिस मिला हुआ है, और उसके सारे मूव मिले हुए हैं। तो ऐसे ऐसे ना करते करते ये सारे मुझे कैरेक्टर मिलेंगे, ठीक है। तो एक मैच के आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। मैच लगाने के लिए जस्ट आपको बैटल पर क्लिक करना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक मैच लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये शुरू हो गया मैच मेरा। ये मैंने गेम का साउंड है ना थोड़ा बंद किया हुआ है, इसलिए साउंड नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखिए ये एंट्री होती है शुरू शुरू में तो ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए ये पहले तो देखिए ये उसका ओपनर है, ये सुपरस्टार 56, दूसरा 222-94, ठीक है, उसका ओपनर है जो अभी मुझे मार रहा है, ठीक है। अब देखिए ये राइट साइड में देखिए 3 मूव मिलते हैं, जैसे मैंने कहा था ना 3 मूव मिलेंगे ये वाले, ठीक है। तो जैसे 4 4 4 लिखा ना ऊपर ये ना, तो उसके लिए वो आपके पास होना चाहिए, मतलब कि ना ये 10 लिखा ना इधर देखिए 10 लिखा है, बीच में 10 लिखा है और राइट साइड में 4 4 लिखा है, मतलब कि ये आपके ना जितने जैसे
तरीके बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे चार का लिखाना तो वहाँ पर आना, जैसे 10 लिखाना तो वहाँ पर के आपके चार होंगे, तो ना तो चार मतलब ये क्या कहते हैं पावर है ना आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे देखिए फुल है अभी, मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखिए अब ये चार कम हो गया उसमें, तो 6 बचा है, तो 6 के लिए मैं कोई भी मूवी इसमें यूज़ कर सकता हूँ। ये हो गया, देखिए वो हो गया। अब ये हाइप मिलता है ना, हाइप हाइप होता है ये एक तरह से मूव, लास्ट फाइनल मूव होता है एक तरह से ये। ठीक है, तो ऐसे ही है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है भाई गाइस। आप जैसे जैसे आप गेम खेलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप गेम खेलते जाओगे वैसे वैसे आपको एक गेम गेम के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, तो गाइस जाइए गेम को डाउनलोड कीजिए और खेलिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगी गेम को गेम खेल कर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया गाइस वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस।